हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म क्रिएशन इन एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, जो आपका डेटाबेस जो प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होता है, उसके बीच में ये एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब हम फॉर्म के माध्यम से डेटाबेस में काम कर सकते हैं, मतलब डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, है ना, और कुछ भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो वो एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूज़र को, ठीक है। डेटाबेस एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। मतलब आप इस फॉर्म का यूज़ करके जो आपका डेटाबेस है उसको आप अपडेट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी एंट्री कर सकते हो, रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी काम, व्हाट एवर यू वांट टू यू कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। ओके, तो चलिए एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से कैसे डेटाबेस में रिकॉर्ड के रूप में इंटर किया जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे विंडो बटन में क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 फोल्डर में क्लिक किए, उसके बाद आपका एक्सेस 2013 को ओपन किए और यहाँ पे आपको डेटाबेस 2 में हमारा टेबल बना है पहले से, है ना, उसमें हम काम करेंगे, उसका एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट टेबल, है ना, राइट लेफ्ट साइड में, है ना, एक टेबल है, डेटाबेस टेबल है, है ना, टेबल में हमारा डेटाबेस स्टोर है, है ना, इसी का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। चलिए उसके लिए क्रिएट टैब में हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन, है ना, फॉर्म डिज़ाइन बटन है ना, फॉर्म ग्रुप के अंदर उसमें क्लिक करेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है फील्ड लिस्ट, है ना, यहाँ पे आप जो आपका टेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको, उसके जो फील्ड है उसको आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे, है ना, जैसे इसको आप आईडी को आप, है ना, यहाँ पे हम ड्रैग कर लिए, इसको आप अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। ओके, इसके बाद दूसरा नेम, है ना, इसको भी अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं। उसी प्रकार आपका जैसे क्लास है ना, क्लास फील्ड है, उसको भी हम ड्रैग करके यहाँ पे यूज कर लेते हैं, है ना। उसी प्रकार आपका एड्रेस है, है ना, एड्रेस फील्ड को भी हम ड्रैग कर लिख के यहाँ पे इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को भी अच्छे से हम डेकोरेट कर लेते हैं, अच्छे से जमा लेते हैं, है ना। उसके बाद एक और है DOB, डेट ऑफ बर्थ, है ना, उसको भी हम यूज कर लेते हैं इसमें। अच्छे से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
आप इसको सेव कर लें एक बार, है ना। चलो इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद आप इसमें बटन भी यूज कर लेते हैं ना, बटन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और बटन के माध्यम से आपके जो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ, है ना, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑपरेशन में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं, पहले हम रिकॉर्ड नेविगेशन में देख लेते हैं, है ना, फाइंड नेक्स्ट, है ना। आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना है या फिर देखना है तो, या फिर गो टू नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, या फिर गो टू प्रीवियस, है ना, पिछला। आप यहाँ पे पिक्चर यूज कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ये पिक्चर है, दिख रहा है ये प्रीवियस, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और रिकॉर्ड नेविगेशन, उसमें आपका गो टू नेक्स्ट, है ना। फिर नेक्स्ट बटन यहाँ पे क्लिक किए, फिनिश किए, यहाँ पे ये देखो, ये आपका नेक्स्ट बटन बन गया। ओके, उसके बाद एक और बटन हम ले लेते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशन में सेव रिकॉर्ड, है ना, सेव रिकॉर्ड या फिर ऐड रिकॉर्ड, है ना, फिनिश, है ना। ये बटन, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, और टेक्स्ट, है ना, हमको वहाँ पे लिखा मिलना चाहिए। चलो दूसरा हम ले लेते हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशन, और यहाँ पे हम ऐड रिकॉर्ड, है ना, ये टेक्स्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है। देखो ऐड रिकॉर्ड, है ना, इसको आप अच्छे से अरेंज कर सकते हो। उसके बाद रिकॉर्ड ऑपरेशन में फिनिश, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड, है ना, जो भी आप रिकॉर्ड इंटर करेंगे फॉर्म में वो डेटाबेस में जाके, है ना, डेटाबेस के टेबल में सेव होगा। इसको हम सेव कर लिए फॉर्म वन के नाम से ही, है ना। अब व्यू हम जाके चेंज करके देख सकते हैं, है ना, डिज़ाइन व्यू में आपका फॉर्म कैसे दिखेगा, है ना। ये देखो फॉर्म व्यू में आपका इस तरीके से दिखेगा। आपका बटन भी काम करेगा। देखो नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये टू वाला रिकॉर्ड, है ना, आईडी टू वाला जितने भी उसके रिकॉर्ड है ना, सब दिख रहा है। प्रीवियस करेंगे तो पिछला वाला दिखेगा, है ना। ओके, उसके बाद ठीक है, ये देखो, है ना, सभी बटन काम कर रहे हैं अच्छे से, है ना। आप ऐड रिकॉर्ड करके आप नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मोहन, और क्लास है, क्लास सेकेंड, एड्रेस है, एड्रेस में हम डाल देते हैं बीएसपी, है ना, बिलासपुर, मोबाइल नंबर, है ना, कुछ भी डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। ओके, यहाँ पे जैसे सेव रिकॉर्ड करेंगे वो सेव हो चुका होगा, है ना। जाके हम टेबल में देख सकते हैं, हमारे जो टेबल है स्टूडेंट टेबल, ये देखिए मोहन, मोहन का रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे स्टोर हो गया है, है ना। फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है, ये आपका फॉर्म है, डिज़ाइन भी हुआ में आके आप अच्छे से और इसको डेकोरेट कर सकते हैं, है ना, डिज़ाइन टैब में जा कर के। यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये स्टूडेंट रिकॉर्ड का फॉर्म है। यहाँ पे आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप इंटर कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट
स्टूडेंट, रिकॉर्ड, ओके, सेव कर लेते हैं इसको। फॉर्म से यहाँ पे क्लिक करके सेव, और उसके बाद इसके व्यू में जाके हम देख सकते हैं फॉर्म व्यू में, है ना, स्टूडेंट रिकॉर्ड ऐसे करके। ठीक है, देखो आपके बटन्स अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है आपको, है ना। ठीक है, चलो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।